हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जूस। गर्मियों का मौसम आ गया है और कुछ न कुछ ठंडा पीना हमें अच्छा लगता है। बाहर बाज़ार में एसेंस डाल के और कलर डाल के बनाया जाता है, तो आज क्यों ना हम घर का मैंगो जूस बनाएं। तो मैंने उसके लिए एक आम ले लिया है और उसे अच्छे से छील देंगे। घर का बना हुआ जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है और बाहर का जूस कलर एसेंस मिलाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आजकल हर किसी के घर में मिक्सर तो होता ही है, तो थोड़ी सा आला सुड़ा के हम अगर घर पे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा घर का जूस, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। हम ना कलर डालते हैं, एसेंस डालते हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। ये मैंने एक ग्राइंडर ले लिया और उसमें अब ये मैंगो डाल देंगे, और मैं अब इसमें डालूंगी एक कटोरी जीता दूध। इससे हमारे मैंगो जूस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये मैंने आइस क्यूब डाल दिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ ताकि इसमें मीठे का लेवल बना रहे हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, ये हमारा जूस रेडी है। अब हम इसे एक ग्लास में निकाल देंगे। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी जूस बना कर पी सकते हैं। अब मैं इसे गार्निश कर दूंगी। मेरे पास काजू थे तो मैंने काजू के टुकड़े कर लिए हैं और मैं डाल रही हूँ इसमें। और अब मैं डालूंगी पिस्ता कतरन। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए। और वैसे भी काजू, ये सब ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये मैंने टूटी फूटी डाल दिए कलरफुल। लीजिए, ये हमारा मैंगो जूस रेडी है। आप भी इंजॉय कीजिए घर पर बना के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।